शिवसेना हिंदुस्तान अपने संगठन की समीक्षा बैठक का आयोजन कर रही है, क्योंकि पार्टी चाहती है कि पार्टी के 6 जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है उनकी स्थापना पूरे देश दे होवे और संगठन मजबूत होवे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जिस तरीके दे नाल हिंदू समाज नाल धोखाधड़ी कर रही है, हिंदू समाज के हितों को नज़रअंदाज कर रही है, असी उसका विरोध करते हुए पूरे देश के अंदर 2019 के लोकसभा चोणों को लड़ना चाहते हैं, अपने उम्मीदवार उतारना चाहते हैं। इस करके पार्टी अपने वर्करां जथेबंद कर रही है, पार्टी अपने स्थानक यूनिटां मजबूत कर रही है और शिवसेना हिंदुस्तान आने वाले समय च अपनी पार्टी के राजनीतिक शाखा हिंदुस्तान शक्ति सेना के बैनर थले और चोन निशान थले चोणां लड़न जा उसी तहत अज जलंधर के शिवसेना हिंदुस्तान जिला इकाई की बैठक का आयोजन हो रहा और उत्थे भी असी अपनी कार्यकारिणी की समीक्षा करके 6 फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन स्थापित करेंगे। तो अज के मैंबर कि अज साढ़े सारी पार्टी के जिला जथेबंदी के कपिल वर्मा जी जेडे यूथ के चेयरमैन है, विनय जलंधरी जी जेडे इतने जलंधर ही रहेंगे, राष्ट्रीय उप प्रधान है यशपाल ठाकुर जी हैं और तमाम पार्टी के जथेबंदी के लोग इतने मौजूद हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बाद पार्टी की एक लंबी बैठक होगी और कार्यकारिणी की समीक्षा करेगी। गगनेजा जी भी सिक्योरिटी लेने के लिए हमला कराया, पर दुर्भाग्य से वो मारे गए और दुर्गा गुप्ता जी ने भी शिवसेना के नेता थे सिक्योरिटी लेने के लिए हमला कराया और मारे गए, और इसी तरह गुसाई जी आरएसएस के कार्यकर्ता थे वो अपनी सिक्योरिटी लेने के लिए हमला कराया और मारे गए। ये सब थ्योरियाँ NIA के आने के बाद फेल हो गई। NIA ने ये साबित कर दिया कि खालिस्तान लिबरेशन फोर्स KLF और जितने खालिस्तान जथेबंदियाँ हैं उन्होंने ऑर्गेनाइज टारगेट किया और इसी कारण उन्होंने चार्ज फ्रेम करके चार्जशीट किया। आज मीडिया ने फ्रंट पेज को उसको छापा, जिन्होंने ये कहा कि शिवसेना के अलग अलग ग्रुपों ने अपने पे हमला करवा करके सिक्योरिटी लेने की कोशिश की है, वो थ्योरी फेल हो चुकी है। अमित नाम के एक व्यक्ति को जो लुधियाना से भी बहुत टॉर्चर किया गया था और कहा गया था इसने खुद हमला कराया, NIA ने पहले दिन ये साबित कर दिया कि इसके ऊपर आतंकवादी हमला हुआ था और आज भी पंजाब के अंदर आतंकवादियों की गतिविधियां इतनी बढ़ रही हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी और राज्य के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, राज्य के खुफिया विभाग के जनरल DGP खुद दिनकर गुप्ता तीनों जा करके देश के गृह मंत्री से मिले और उन्होंने कहा कि तमाम फोर्स के अलावा अतिरिक्त फोर्स चाहिए पंजाब के अंदर और पंजाब में डिप्लॉय किए गए फोर्स आप जान रहे होंगे, जेलों के अंदर CISF लगा दी गई जिसके लिए चंदू माजरा ने अकाली दल ने विरोध किया। तो ऐसे हालात हैं जो गृह मंत्रालय भी चिंतित है, हमारे देश के मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी चिंतित हैं। तो ये आरोप गलत है कि शिवसेना सुरक्षा लेने के लिए, सुरक्षा हमारे मांगने से नहीं मिलती, एक प्रोसीजर है, खुफिया विभाग बताता है कि किसको खतरा, ये केवल और केवल सगुफा शिवसेना नाम की जथेबंदियों को बदनाम करने के लिए और ये आतंकवाद के खिलाफ ना लड़ सकें, खड़ी ना हो सकें, उनको बदनाम करने के लिए इस तरह के वाक्य और इस तरह के शरारतपूर्ण अफवाहें फैलाते हैं। पर शिवसेना बाल ठाकरे का कहना है कि शिवसेना बाल ठाकरे को छोड़ के जितनी भी शिवसेना है सब फेक हैं। सबसे पहले आज शिवसेना हिंदुत्व का नाम लिया था और कार्रवाई करने की भी मांग की थी, उन्होंने कहा था कि हम इन पर कार्रवाई भी करेंगे। अगर कोई कानून है तो उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में केवल बोलना नहीं चाहिए, कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, हमें नोटिस दे, हमारे खिलाफ FIR करे या फिर चुनाव लड़े। चुनाव में प्रतिशत मतदाता हिंदू मतदाता उनको वोट देते हैं उससे पता लग जाएगा, ये बात उन्होंने पहले भी उठाई थी, हम चुनाव लड़े, हमारे कार्यकर्ता हमारे उम्मीदवारों को 5000 वोट मिली, उनके उम्मीदवारों को 500 नहीं मिली, तो मतदाता से बड़ी कोई अदालत नहीं, हमने मतदाता की अदालत में साबित किया कि असली कौन है नकली कौन है। केवल बाल ठाकरे का नाम लगाने से आप असली नहीं हो जाओगे, आप फगवाड़ा के कांड पे स्टैंड नहीं ले सके, आप वहाँ आपके फंसे हुए नेताओं के बारे में कोई राय नहीं बना सके, तो आप इस राज्य के बेहतरी के लिए क्या काम करोगे, असली नकली की बात छोड़ दो।